फ्रेंड्स, आईपीएल और आईपीएल 2020 के सीज़न को लेकर आज बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी और इस मीटिंग में आईपीएल और आईपीएल 2020 के सीज़न को लेकर बड़े बड़े फैसले लिए जाने थे। दरअसल ये मीटिंग अब समाप्त हो चुकी है और इस मीटिंग में आईपीएल की न्यू स्टार्टिंग डेट, आईपीएल वेन्यू, आईपीएल के नए नियम, आईपीएल के फॉर्मेट और आईपीएल की टाइमिंग को लेकर, इसके साथ ही आईपीएल के शेड्यूल को लेकर 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, या फिर यूँ कहे कि आईपीएल 2020 के सीज़न को लेकर इस मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर आज हुई बीसीसीआई की मीटिंग में आईपीएल को लेकर क्या फाइनल डिसीजन लिया गया है, इसके साथ ही कब से आईपीएल की शुरुआत होगी, कौन से फॉर्मेट में आईपीएल होगा और क्या आईपीएल की टाइमिंग रहने वाली है, भारत में कितनी बजे आईपीएल के मैचेस टेलीकास्ट होंगे। मैं इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब दूंगा, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आप इस वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग थी, इसमें जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, इनमें जो सबसे पहला बड़ा फैसला लिया गया है वो लिया गया है आईपीएल की न्यू स्टार्टिंग डेट को लेकर। दरअसल लगातार खबरें थी कि आईपीएल 26 सितंबर से शुरू होगा, आईपीएल 18 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन इस मीटिंग में कंफर्म हो चुका है कि 19 सितंबर से आईपीएल की शुरुआत होगी, जबकि आईपीएल 8 नवंबर तक चलेगा, यानी 51 दिन का आईपीएल होने वाला है, काफी लंबा आईपीएल सीजन होगा। यानी आईपीएल अब 2020 का सीजन जो होगा दुबई में होगा, पूरी तरीके से प्रॉपर वे में होता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही जो दूसरा बड़ा फैसला इस मीटिंग में लिया गया है वो लिया गया है आईपीएल की वेन्यूज को लेकर। दरअसल ये तो कंफर्म था कि आईपीएल दुबई में होगा, यूएई में होगा, लेकिन दुबई में कौन कौन से स्टेडियम्स में होगा ये भी कंफर्म हो चुका है। दरअसल पूरा आईपीएल सीजन दुबई के 3 स्टेडियम्स में होगा, जहां पर दुबई, इसके अलावा शारजा, इसके साथ ही अबू धाबी में पूरा आईपीएल सीजन होगा और 51 दिन पूरा आईपीएल सीजन चलेगा, यानी पूरे प्रॉपर वे में हमें आईपीएल देखने को मिलेगा, जैसा भारत में आईपीएल होता है कुछ उसी तरीके का आईपीएल इस बार हमें दुबई में देखने को मिलेगा। काफी इंटरेस्टिंग आईपीएल सीजन होने वाला है। इसके साथ ही जो तीसरा बड़ा फैसला इस मीटिंग में लिया गया है वो लिया गया है आईपीएल मैचेस की टाइमिंग को लेकर। दरअसल आईपीएल मैचेस की टाइमिंग में काफी बड़ा बदलाव इस मीटिंग में किया गया। जो दुबई में आईपीएल मैचेस की शुरुआत होगी वो शाम 6 बजे होगी, जबकि भारत में वो मैच शाम को 7:30 बजे टेलीकास्ट होगा, जबकि जो दोपहर वाला मैच होगा, जो सैटरडे और संडे को दोपहर में मैच शुरू होगा, वो दुबई में 2 बजे शुरू होगा, जबकि भारतीय समय अनुसार वो 3:30 बजे शुरू होगा, यानी इंडियन टाइम के अनुसार तो वैसे ही टेलीकास्ट होगा जैसे नॉर्मली इंडिया में आईपीएल होता है, वैसे ही 3:30-7:30 बजे शुरू होगा, यानी आधे घंटे जल्दी शुरू किया जाएगा। कुछ इस तरीके की टाइमिंग आईपीएल 2020 के सीजन के दौरान रहने वाली है। इसके साथ ही जो चौथा बड़ा फैसला लिया गया है वो लिया गया है डबल हेडर्स मैचेस की संख्या को लेकर। दरअसल इस मीटिंग में कंफर्म्ड हो चुका है कि आईपीएल काफी लंबा चलेगा, 51 दिन आईपीएल चलेगा, इस वजह से डबल हेडर्स की संख्या काफी कम कर दी गई है, क्योंकि इसके पीछे स्टार स्पोर्ट्स का बड़ा हाथ था, स्टार स्पोर्ट्स काफी अधिक डबल हेडर्स नहीं करवाना चाहता था, इससे काफी अधिक रेवेन्यू में नुकसान हो रहा था, इसके साथ ही प्लेयर्स को भी रेस्ट लेने में काफी समस्या होने वाली थी, इस वजह से आईपीएल को 51 दिन का करके डबल हेडर्स को कम कर दिया गया है। इसके साथ ही जो पांचवा और सबसे बड़ा फैसला इस मीटिंग में लिया गया है वो लिया गया है आईपीएल के न्यू शेड्यूल को लेकर। दरअसल आईपीएल का नया शेड्यूल अब लगभग 5 से 6 दिन बाद बीसीसीआई ऑफिशियली रिलीज कर देगी, जो बीसीसीआई की 27-28 को मीटिंग होगी, शायद उस मीटिंग के बाद आईपीएल का नया शेड्यूल हमें ऑफिशियल आता हुआ दिख जाए, यानी आईपीएल के शेड्यूल पर भी बड़ा फैसला इस मीटिंग में ले लिया गया है। तो करंटली आईपीएल को लेकर इस मीटिंग में ये 5 बड़े फैसले लिए गए हैं और अब जल्द से जल्द टीमें दोबारा से यूएई पहुंचकर आईपीएल की तैयारियां भी शुरू करने वाली है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये था इस वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अब यूएई में आईपीएल होने पर आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम आईपीएल की चैंपियन बनेगी। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।